गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीहरि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड थर्ड हिंदी। आज हम चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, शेर और हिरण। इस चैप्टर में एक हिरण के बारे में बताया गया है जो चरता चरता घने जंगल में पहुंच जाता है। अब वहां पे क्या होता है, शेर आ जाता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि, साहस और हिम्मत से शेर से कैसे मुकाबला करता है, मतलब उसे कैसे मूर्ख बनाता है, वो इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम पाठ के बारे में देखते हैं। साहस और बुद्धि से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। इस नाटक में एक हिरण कैसे अपनी हिम्मत, बुद्धि और धैर्य से शेर को मूर्ख बनाता है, आइए पढ़कर जानें। पात्र यानी इसमें कौन कौन है, शेर, हिरण, सियार, और स्थान बताया गया है घना जंगल। सबसे पहले हिरण अपने आप से बोलता है, बाप रे, मैं तो चढ़ते चढ़ते शेर के पास आ गया, अब मेरी खैर नहीं, भाग निकलने का मौका भी नहीं, चलो देखा जाएगा, डरने से काम और बिगड़ सकता है। अब हिरण है वो खुद अपने आप से कहता है कि मैं तो चढ़ते चढ़ते जंगल में आ गया, अब तो मेरी खैर नहीं, मतलब अब तो मैं खैर नहीं का मतलब होता है कुशल नहीं, अब मैं कुशल नहीं हूँ, भाग निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, अवसर भी नहीं मिलेगा। सामने कौन था, एक शेर था। शेर मन में कहता है, यह तो बड़ा अजीब जानवर है, मुझे देखकर जरा भी नहीं डर रहा, इसके माथे पर यह नुकीली सी चीज़ क्या है। अब शेर खुद से कहता है कि यह अजीब सा जानवर कौन है, कहाँ से आ गया है, और इसके सिर पर ये नुकीली सींग जैसी चीज़ क्या है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, हिरण के पास जाता है, शेर है वो हिरण के पास जाता है और क्या कहता है, अरे ओ, तुम कौन हो, क्या परदेशी हो, मुझे नहीं पहचानते। अब शेर क्या कहता है कि तुम कौन हो, क्या परदेशी हो, परदेशी मतलब दूसरे देश से आए हो, तुम मुझे नहीं पहचानते। अब हिरण क्या कहता है, हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं परदेशी ही हूँ, सोचा आज तुम्हारा देश ही देख लूँ। शेर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ तुम्हारे सिर पर यह नुकीली सी चीज़ क्या है, उससे तुम क्या करते हो, देखने में तो पेड़ की टहनी जैसी लगती है। अब शेर क्या कहता है कि तुम्हारे सिर पर यह नुकीली सी चीज़ है वो क्या है, इससे तुम क्या करते हो, ये तो कोई पेड़ की टहनी डाली की तरह लगती है। हिरण हंसकर कहता है, अरे वाह, बड़े भोले हो, तुम नहीं जानते यह मेरी तलवार है, शेर का शिकार करने में बड़े काम आती है, शेर का पेड़ इससे बड़ी आसानी से फटता है। अब हिरण क्या कहता है हंसकर, क्या तुम इसे नहीं जानते, ये तो मेरी तलवार है, ये शेर का शिकार करने में बड़ी काम आती है, मैं इसे शेर का क्या करता हूँ, पेट फाड़ता हूँ। शेर घबरा जाता है और घबरा कर बोलता है, तो तुम्हारे बदन पर ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे कैसे है बड़े भैया। अब शेर क्या कहता है, तुम्हारे बदन पर ये धब्बे पड़े हुए काले काले या तो सफ़ेद है, वो कैसे पड़े हुए हैं। हिरण निडरता से यानी वो डरता नहीं है और क्या आंसर देता है, यह बड़े मज़े की चीज़ है, मैं एक शेर मारता हूँ और मेरे बदन पर तुरंत एक धब्बा बन जाता है, यह देखो मेरे बदन पर अब तक 99 धब्बे बन चुके हैं और एक के होते ही, यानी मतलब 99 का अर्थ होता है 99, हम मास में देखते हैं ना, 99 मतलब 99 धब्बे अब तक मेरे शरीर पर बने हुए हैं, अगर एक और शेर मार दूँ तो मेरे शरीर पर कितने हो जाएंगे, पूरे 100, वो ऐसा बोलना चाहता है। शेर छलांग मारकर, अरे बाप रे, मुझे बचाओ, भागता है। अब शेर है वो भाग जाता है, हिरण मन में, जान बची तो लाखों पाए, बुद्धि और निडरता ने मुझे बचा लिया, डरता तो मरता, अब यहाँ ठहरने में खतरा है, हिरण जाता है। अब क्या होता है, हिरण भी चला जाता है और शेर भी भाग जाता है। अब दूसरा दृश्य आता है, जंगल की दूसरी ओर एक सियार टहल रहा है, वह भागते हुए शेर को देखता है। अब क्या होता है, भागता हुआ शेर कौन देखता है, सियार। अब सियार क्या कहता है, बड़े भाई, बड़ी जल्दी में है, जरा बताइए तो क्या बात है। शेर हाँफते हुए, अरे सियार भाई, जंगल में उस ओर नहीं जाना, वहाँ एक खूंखार जानवर है, एक दो नहीं पूरे 99 शेर मार चुका
है। शेर क्या कहता है कि जंगल में उस तरफ मत जाना, वहाँ एक खूंखार भयानक जानवर है जो पूरे 99 यानी 99 शेर मार चुका है। सियार आश्चर्य से, क्या ऐसा कौन सा जानवर है, जरा देखे तो सही। अब सियार पूछता है कि ऐसा कौन सा जानवर है, जरा मुझे भी तो देखना है। शेर डर कर, न बाबा न, मैं तो अब उधर नहीं जाऊंगा, क्या पता सौवा शिकार में ही बन जाऊं। अब शेर क्या कहता है कि मैं तो उधर नहीं जाऊंगा, क्या पता 100 नंबर का शिकार वो मुझे ही बना ले। सियार, बड़े भाई इतना भी क्या घबराना, चलिए चलकर देखा जाए, आपसे नहीं बना तो मैं तो हूँ ही। सियार कहता है कि चलो हम चलकर देखते हैं, अगर आपसे कुछ नहीं बना तो मैं तो आपके साथ ही हूँ। शेर थोड़ा रुक कर, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सियार, अच्छा एक उपाय बताता हूँ, आप मुझे अपने पीठ पर बैठा ले, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। शेर, हाँ हाँ यही ठीक रहेगा। शेर झुकता है, सियार शेर की पीठ पर बैठता है। अब क्या होता है, जो सियार है वो शेर की पीठ पर बैठता है और वो उस तरफ चलते हैं। अब तीसरा दृश्य आता है, सीन आता है, उसमें क्या बताया गया है, हिरन थोड़ा आगे घास चल रहा है, वहाँ सियार और शेर को अपने और आते देखता है। अब क्या होता है, वो घास चरता है तो वहाँ अपनी ओर सियार और शेर को आते हुए देखता है। अब हिरन क्या कहता है, अपने आप से कहता है, हे भगवान, एक साथ दो दो मुसीबतें, अब तो सत्यानाश होने ही वाला है। चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, एक बार फिर हिम्मत से काम लिया जाए। अब हिरन क्या कहता है सियार से, अरे वाह भांजे, शाबाश, तूने अपना वादा पूरा कर ही दिया, जरा देर से ही सही मेरे नाश्ते का इंतजाम कर ही दिया, थोड़ा दुबला पतला है, कोई बात नहीं, इससे काम चला लूँगा। अब हिरन अपनी होशियारी बताता है और वो सियार को क्या कहता है, भांजे भांजे के शाबाश, तूने अपना वादा पूरा ही कर लिया और मेरे लिए शिकार का इंतजाम कर लिया, दुबला पतला ही सही लेकिन इससे काम चला लूँगा। फिर वो क्या करता है, अपने नुकीले सिंग आगे करके दोनों की ओर बढ़ता है, जैसे कि वो मारना चाहता हो ऐसे वो आगे बढ़ता है। शेर कांपते हुए, अरे ये दोनों तो मिले हुए हैं, बदमाश मुझे फंसा रहा है। अब शेर क्या कहता है कि सियार और हिरन तो मिले हुए हैं, ये तो मुझे फंसा रहा है। वो उछलकर सियार को अपनी पीठ से गिराता है, अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ाता है और उसे घसीटते हुए तेजी से दूसरी ओर भागता है। हिरन खिलखिलाकर हंसता है। अब क्या होता है, जो शेर है वो सियार को ही मार डालता है और इसी तरह से हिरन है वो अपनी अक्ल और बुद्धि से बच जाता है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर 9 है वो कंप्लीट होता है। अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ में सबसे पहले है खैर। खैर का अर्थ होता है कुशल। परदेशी मतलब दूसरे देश का वासी। खूंखार हिंसक। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। मौका यानी अवसर। बदन शरीर देह। सत्यानाश बर्बादी, पूरी तरह बर्बाद। इंतजाम मतलब प्रबंध। इस तरह से ये हमने कठिन शब्दों के अर्थ देखे। अब हम अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहले देखेंगे मौखिक प्रश्न, या आपको प्रश्न के उत्तर बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरन क्या कर रहा था। हिरन क्या कर रहा था, हिरन घास चर रहा था। सेकंड है, शेर ने हिरन को क्या समझा। शेर ने हिरन को क्या समझा, शेर ने हिरन को परदेसी समझा, ये आंसर आएगा। थर्ड है, शेर ने सियार को अपनी पीठ पर क्यों बैठाया। शेर ने सियार को अपनी पीठ पर क्यों बिठाया। शेर ने अपना डर दूर करने के लिए सियार को अपनी पीठ पर बिठाया, क्योंकि शेर वो डर रहा था इसीलिए। सही गलत। सही वाक्यों के सामने ठीक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। सबसे पहले है, शेर को देखकर हिरन घबरा गया, ये गलत है तो उस पर क्रॉस लगेगा। सेकंड है, शेर ने पहले कभी हिरन नहीं देखा था, ये भी गलत है तो उस पर क्रॉस लगाना है। थर्ड है, शेर के बदन पर सफ़ेद धब्बे थे, ये कैसा है, ये गलत है तो उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। फोर्थ है, सियार शेर से अधिक साहसी था, ये राइट है तो उस पर राइट का निशान लगेगा।
फिफ्थ, सियान ने शेर को अपनी पीठ पर बैठा लिया, ये कैसा आएगा? गलत, तो उस पर क्रॉस का निशान लगेगा। नेक्स्ट है, हिरण ने उछलकर शेर पर वार किया, हिरण ने उछलकर शेर पर वार किया, ये कैसा आएगा? ये भी गलत है। इस तरह से ये आपको सही और गलत पे क्रॉस और डॉट का निशान लगाना है। नाउ वी विल सी ऑन नेक्स्ट पेज, वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसको चूज करके फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है बुद्धि, इंतजाम, मौका, शिकार, निडरता, 99। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, मेरे पास भाग निकलने का क्या है? मौका भी नहीं है, ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा। सेकंड है, शेर का शिकार करने में यह बहुत काम आती है, इसमें शिकार आएगा। थर्ड है, बुद्धि और निडरता ने मुझे बचा लिया। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है, वह एक दो नहीं पूरे 99 शेर मार चुका है। फिफ्थ, वाह भांजे, तुमने मेरे नाश्ते का इंतजाम कर ही दिया। इस तरह से ये आपको 5 फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हिरण घास चरते चरते कहाँ पहुँच गया था? क्या आंसर आएगा? हिरण घास चरते चरते कहाँ पहुँच गया था? हिरण घास चरते चरते शेर के पास पहुंच गया था। क्या आंसर आएगा? हिरण घास चरते चरते शेर के पास पहुंच गया था। सेकंड क्वेश्चन है, शेर को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? किस बात पे आश्चर्य हो रहा था? हिरण शेर से जरा भी नहीं डर रहा था, यह देखकर शेर को आश्चर्य हो रहा था। हिरण जो है वो शेर से डर नहीं रहा था, इस बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, हिरण ने अपने शरीर पर पड़े धब्बे के बारे में शेर को क्या बताया? क्या बताया था? कि हिरण ने बताया कि जब मैं एक शेर मारता हूँ तो तुरंत मेरे शरीर पर एक धब्बा बन जाता है, यह देखो मेरे शरीर पर 99 धब्बे बन चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, शेर और सियार को एक साथ देखकर हिरण ने क्या कहा? शेर और सियार को एक साथ देखकर हिरण ने क्या कहा? शेर और सियार को साथ देखकर हिरण ने सोचा है, हे भगवान, अब तो सत्यनाशी होने वाला है, ये कहाँ? अब हम देखते हैं भाषा से। भाषा से में क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम शब्दों को यानी कि जो भी इसमें से सर्वनाम है उसके नीचे आपको लाइन करनी है। फर्स्ट है, अब मेरी खैर नहीं, तो उसमें आपको मेरी के नीचे अंडरलाइन करनी है। सेकंड है, इसके माथे पर यह नुकीली सी चीज़ क्या है? इसके और यह, उस पर आपको नीचे लाइन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, तुम कौन हो? तुम और कौन के नीचे अंडरलाइन आएगी। आपसे नहीं बना तो मैं तो हूँ ही, आपसे और मैं, यहाँ पे सर्वनाम है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया, तुमने अपना, इसके नीचे अंडरलाइन आएगी। पढ़िए और समझिए, एक एक को हम क्या कहेंगे? पहला, दो दूसरा, तीन तीसरा, चार चौथा। तो अब आपको इसी तरह से लिखना है, पाँच को हम क्या कहेंगे? पाँचवा। छह को छठा, सात को सातवां, आठ को आठवां, नौ नौवां, दस दसवां। इसी तरह से ये आपको 1 to 10 नंबर किस तरह से हिंदी में लिखते हैं वो बताया गया है। थर्ड है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जानवर को हम पशु कहते हैं, तो उसी तरह से शोर, छोर, छोर का मतलब होता है किनारा। परदेश यानी विदेश। तहनी, शाखा या तो डाली भी लिख सकते हो। बदन यानी शरीर, हिरण, मृग। मौका यानी कि अवसर। पेड़, पेड़ को हम क्या कहेंगे? वृक्ष। फोर है, नीचे दिए गए वाक्यों में उपयोग विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए।
विराम चिन्ह किसे कहते हैं? सेमीकोलन, कॉमा, डॉट, क्वेश्चन मार्क, ये उसको सब हम विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहले है डरने से काम और बिगड़ सकता है, तो इसमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, तो वो आपको लगाना है। डरने से काम और बिगड़ सकता है। सेकंड, क्या तुम परदेसी हो? इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। थर्ड, अरे, उसके बाद कॉमा, बापड़े, मुझे बचाओ, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। फोर्थ, जरा बताइए तो क्या बात है? पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। फिफ्थ, बदमाश मुझे कैसे फंसा रहा था? बदमाश के बाद कॉमा और मुझे कैसे फंसा रहा था, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी तरह से आपको विराम चिन्ह लगाकर ये वाक्य है वो दोबारा लिखने है। लास्ट पेज पे देखते हैं अपठित गद्यांश। ये आपको पैराग्राफ दिया गया है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। पैराग्राफ को रीड करके आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। मानव के जीवन में पशुओं का बहुत महत्व है। वे हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वे हमारी सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। जो पशु हमें तथा हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उन्हें भारवाहक पशु कहा जाता है, जैसे घोड़ा, बैल, गधा, ऊंट इत्यादि। वे सवारी के काम आते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पालतू पशु भी होते हैं, जैसे कुत्ता, फिर घर की रखवाली करता है, गाय, भैंस, बकरी दूध देते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़ियांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक क्या आएगा वो बताना है, तो पशु हमारे सच्चे मित्र ये आंसर आएगा। सेकंड, भारवाहक पशु किन्हें कहते हैं? जो पशु हमें तथा हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उसे हम भारवाहक पशु कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चार पालतू पशुओं के नाम बताइए। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये हमारे पालतू पशु है। फोर्थ क्वेश्चन है, बैल किस काम आते हैं? बैल खेती करने के काम आते हैं। इस तरह से ये आपको आंसर कंप्लीट करने हैं। पहले पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आप खुद अपने आप से भी ये आंसर लिख सकते हो। अगर आपको पैराग्राफ में अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप आंसर खुद लिख सकते हो। इसी तरह से ये हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में लिखना है और क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको कंप्लीट करना